लिया है, लेकिन आई रियली इम्प्रेस्ड अबाउट दिस मैन। ई नाइन अब मेरे को इसमें रो कैसे पता चलेगी, आप बताएंगे कि भी ई नाइन मिल जाए इसमें, रो कैसे पता चलेगी आप? या तो अपन गाइड चलती है एम एल क्यू पे जे लेकिन ये किचन तो नहीं दिख रही है बिल्कुल यार जी। क्या तो हेलो दोस्तों, हम लोग आए थे मूवी देखने भैया और मैं। यस, आज हम हमारा पहला ओपन थिएटर में, हम दोनों में हमारा फर्स्ट वो रहेगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने 400 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पे और पहला एक्सपीरियंस है हमारा भोपाल में वो भी। पीवीआर को ठुकरा के दो मूवी को देखने की बहुत बड़ी गलती हो सकती है या फिर हमारा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आफ्टर मूवी रिव्यू देंगे। बिल्कुल, कीप इट लाइक इट सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय, दिखाते हैं इसके बाद। बहुत शानदार सीन लग रहा है। हेलो दोस्तों, ट्रिकी रोस्टर वापस आ गया। मैं रिव्यू के लिए बता रहा था वहाँ का ओपन थिएटर में, इतना मज़ा आया हमें वहाँ पे गए, बहुत अच्छा लगा, लाइट्स थी बहुत प्यारी और क्या वॉकिंग था वहाँ पे, यानी और भीड़ क्राउड भी बहुत था और साउंड क्वालिटी तो बेस्ट है ब्रो, बेस्ट साउंड क्वालिटी थी वहाँ की। और अंदर बहुत महंगा रहता है वैसे, आपको पता ही होगा, बट जगह बहुत प्यारी थी, रात में जाने लायक है, बहुत शानदार है और लेक व्यू के पास है, तो ठंड तो बहुत ही थी, हालत ख़राब हो गई थी, अंदर बैठ के देखा। बाकी वैसे वहाँ सीटिंग्स भी रहती है, आप सीट भी बुक कर सकते हो, सोफ़ा भी रहता है वहाँ पे ही बैठ के देख सकते हो, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे। बाकी कार बेटर ऑप्शन है क्योंकि वैसे ही बहुत ठंड है, अभी गर्मी में ठीक है बेस्ट है, अभी ठंड में तो आप कार ही प्रेफर करना तो बढ़िया रहेगा। और थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी मेरे को मोनेटाइजेशन करना है।